पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन। ग्रांट कम करने पर छात्रों और टीचरों ने खोला मोर्चा, बोले बजट घटना गलत। पंजाब के पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट हासिल करने के लिए विद्यार्थी और टीचरों के साझा मोर्चा की तरफ से यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट और कर्जे में दबी यूनिवर्सिटी का पंजाब सरकार की तरफ से बजट घटाना गलत है। यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पंजाबी यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा का गठन करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ योजनाबद्ध संघर्ष किया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से जो बजट में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को 164 करोड़ की ग्रांट दी गई है, यह ग्रांट कहीं पर भी यूनिवर्सिटी को बचाने में कारगर साबित नहीं हो रही है, बोले आपके विधायकों को नहीं घुसने देंगे। यूनिवर्सिटी पर 568 करोड़ रुपए कुल खर्च सालाना आता है और यूनिवर्सिटी को 200 करोड़ रुपए के लगभग की आय होती है। 368 करोड़ रुपए हर बार यूनिवर्सिटी को ग्रांट के रूप में चाहिए। सभी विभागों को बंद करके पंजाबी यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर इकट्ठे हुए मोर्चों की तरफ कहा गया कि इस समस्या का हल नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक को यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।